हाय स्टूडेंट्स, हम पिछली क्लास में प्रकाश के बारे में देख रहे थे कि कोई वस्तु जो हमें है हमें किस प्रकार दिखाई देती है, कौन से रंग की दिखाई देती है, उस बात के किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पर इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश जो है वो अलग अलग वैज्ञानिक जो है, जैसे तरंग प्रकृति के बारे में बताया, कण प्रकृति के बारे में बताया, जो वैज्ञानिक जो था डी ब्रोगली, तो यहाँ पर एक ही नाम पढ़ेंगे अपने डी ब्रोगली। अगर डी ब्रोगली की बात करते हैं तो ये डी ब्रोगली साहब क्या बोलते हैं कि जो प्रकाश जो होता है वो दैत्य प्रकृति के रूप में पाया जाता है। प्रकाश दैत्य यहाँ पर जो है, ये प्रकाश जो है किसमें रूप में पाया जाएगा, तो दैत्य प्रकृति जो है, प्रकाश दैत्य प्रकृति या द्वैत्य प्रकृति के रूप में पाया जाता है। तो डी ब्रोगली साहब क्या बोलते हैं कि जो प्रकाश जो है वो कौन सी प्रकृति के रूप में पाया जाता है, द्वैत प्रकृति के रूप में, जबकि इससे पहले कई वैज्ञानिकों ने कहा कि प्रकाश जो है तरंग रूप में पाया जाता है, कुछ वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश कण रूप में पाया जाता है, तो इसने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो किस रूप में पाया जाता है, द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ, ये कण रूप में भी पाया जाता है और दूसरा जो है ये किसके रूप में, तरंग रूप में भी पाया जाता है। तो अर्थात ये अलग अलग जगह दोनों ही प्रकार के व्यवहार करता है, कण रूप में और तरंग रूप में। और डी ब्रोगली ने क्या कहा कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे पैकेट जो है उनके रूप में गति करता है, तो उन पैकेटों को क्या कहा, फोटोन कहा। तो यहाँ पर प्रकाश जो है वो किसके रूप में, फोटोन के रूप में गति करता है। कौन सा रूप है, यहाँ पर फोटोन, अर्थात प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों के रूप में क्या करता है, गति करता है। वो किस रूप में हो सकता है, कण रूप में भी हो सकता है और तरंग रूप में भी हो सकता है, और उन पैकेटों को क्या नाम दिया, फोटोन नाम दिया। तो यहाँ पर जो है डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो प्रकाश जो है वो दैत्य प्रकृति के रूप में पाया जाता है, अर्थात कण रूप में और तरंग रूप में भी पाया जाता है। क्लियर, तो ये बात किसने कही, डी ब्रोगली ने। और पैकेट जो होते हैं छोटे छोटे पैकेट जो है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में गति करता है, उन्हें क्या कहा, फोटोन कहा। क्लियर, तो ये तो थी प्रकाश से रिलेटेड कुछ बातें। अब प्रकाश के जो गुण जो है, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर जो अपना मेन टॉपिक है सबसे पहले वो है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे अपन, प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पर मान लो कोई माध्यम है, दो माध्यम अलग है, अलग अलग, यहाँ पर माध्यम अलग है, यहाँ पर माध्यम अलग है, तो जब कोई यहाँ इस माध्यम पर, इस पर क्या डाल दिया मैंने, लंब डाला, लंब जो है वो कितने डिग्री का रहेगा, 90 डिग्री का। जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतित होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतित होती है, तो उस पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी, और इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अर्थात ये घटना जो हो रही है वो किस में हो रही है, प्रकाश के एक ही माध्यम में। तो जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई पृथककारी, बोल सकते हैं पृथककारी पृष्ठ पर आपतित होती है,
उस प्रश्न से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। इसी घटना को क्या कहा जाता है? इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण, ये मान लो कोई प्रकाश की किरण है, ये किसी स्रोत से आ रही है, तो ये तो कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण। तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न कौन सा हो जाएगा? पृथककारी प्रश्न। ये पृथककारी प्रश्न अर्थात दो माध्यम जो है उनको अलग करने वाला प्रश्न जो है वो क्या कहलाएगा? पृथककारी प्रश्न। तो आपतित किरण जब किसी माध्यम से होती हुई पृथककारी प्रश्न प्राप्तित होती है, तो पृथककारी प्रश्न प्राप्तित होने के पश्चात वो उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो किरण होगी ये कौन सी होगी? परावर्तित किरण होगी, नहीं होगी? ये कौन सी किरण होगी? परावर्तित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। ये क्या है? अभिलंब। तो ये जो कोण है यहाँ पर, ये तो कौन से डिग्री का कोण हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण, क्योंकि ये क्या है? किसी इस पर अभिलंब है। और यहाँ पर ये जो कोण है, ये दो कोण, ये कोण और एक ये कोण, यहाँ पर ये कोण तो काम करेगा कोण आई का, ये कोण काम करेगा कोण आर का। तो ये कोण जो है ये तो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। ये तो क्या कहलाएगा? आपतन कोण। और ये कोण जो आर है, ये जो है ये कौन सा कहलाएगा? परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण कहलाएगा? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे तो क्या कहेंगे? आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से होती हुई पृथककारी प्रश्न प्राप्तित होती है, तो पृथककारी प्रश्न से टकराकर वो उसी माध्यम में लौट जाएगी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आई थी, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो यह एक ही माध्यम में होती है, यह है घटना। एक ही माध्यम में होती है। क्लियर? तो ये घटना जो होगी एक ही माध्यम में होगा, और एक ही माध्यम में होगा तो प्रकाश का वेग जो है अपवर्तन और परावर्तन के पश्चात भी क्या होगा? समान होगा। यहां प्रकाश का वेग आपतित व परावर्तित किरण के लिए क्या होगा? समान होता है। क्या होगा यहाँ पर? दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है एक ही माध्यम में मूवमेंट कर रही है,
और एक ही माध्यम में मूवमेंट करने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि दोनों का वेग जो होगा समान होगा, क्योंकि यहाँ पर माध्यम एक है, माध्यम एक होगा तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के लिए जो प्रकाश का वेग होगा वो दोनों क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ पर जो पृथक्कारी पृष्ठ जो है उसे टकरा कर जो लौटने की जो है वही क्रिया क्या कहलाती है, यहाँ पर परावर्तन कहलाती है। तो परावर्तन में आपतित किरण किसे कहते हैं, स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या, प्रकाश की किरण जो स्रोत से आती है आकर पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित होती है उसी किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो परावर्तन के पश्चात गुजरने वाली किरण जो है यहाँ पर अर्थात पृथक्कारी पृष्ठ से टकराने के पश्चात जो किरण निकलती है या परावर्तन के पश्चात जो किरण निकलती है उसे क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। यहाँ पर अगर कोण आई की बात करते हैं तो कोण आई क्या है, आपतन कोण है। और कोण आर की बात करते हैं तो ये क्या है, परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जो है ये तो कब कहाँ कहाँ बन रहा है, आपतित किरण आपतित किरण वे अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, किस किस के मध्य में, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, अभिलंब वे परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, सॉरी परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और पृथक्कारी पृष्ठ, ये सारे क्लियर। ये जितने भी टर्म जो है, आपतित किरण स्रोत से आने वाली किरण जो पृथक्कारी पृष्ठ पर आपतित होती है उसे क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण, परावर्तन के पश्चात निकलने वाली किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। अभिलंब किसे कहा डाल, पृथक्कारी पृष्ठ पर डाला गया 90 डिग्री का कोण जो है वही क्या कहलाएगा, अभिलंब। क्या खींचा गया रेखाखंड क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण किसे कहा जाता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तन, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहा जाता है, परावर्तन कोण कहा जाता है। प्रकाश का परावर्तन जो है वो एक ही माध्यम, प्रकाश का वेग जो आपतित और परावर्तित किरण के लिए क्या रहेगा, समान। क्यों, क्योंकि परावर्तन की घटना जो है एक ही माध्यम में हो रही है, अर्थात आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों किसी माध्यम में, एक ही माध्यम में है, और इस कंडीशन में दोनों प्रकिरणों के लिए प्रकाश का वेग क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लियर। और इससे आगे जो बात करेंगे अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।